समुद्र हमारी पृथ्वी के दो तिहाई भाग में फैला हुआ है। मानव भले ही अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकने का दावा करता हो, पर वह अभी तक समुद्र में उपस्थित रहस्यों से अनजान है। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, बड़े बड़े महानगरों के समुद्र में समा जाने का खतरा पैदा हो गया है। अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो हम भी इतिहास बनकर रह जाएंगे। प्राचीन विश्व में कई ऐसे विकसित शहर थे जो समय के साथ हमेशा के लिए पानी में दफन हो गए, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, जिसके अवशेष गुजरात प्रांत में कैम्बे की खाड़ी में उपस्थित है। स्वागत है दोस्तों आपका रहस्य टीवी के इस एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम जानेंगे पानी में दफन हो चुके 6 प्राचीन शहरों के बारे में। पहला, क्लियोपेट्रा अलेक्जेंड्रिया। क्लियोपेट्रा शहर का निर्माण इजिप्ट के शासक रहे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किया था। 1600 साल पहले यह शहर जलमग्न हो गया था। ऐसा बताया जाता है कि चर्चित सुंदरी व सम्यग्री क्लियोपेट्रा की याद में इस शहर को बनाया गया था। 1998 में समुद्री पुरातत्वविदों ने इस शहर को खोज निकाला। दूसरा, पाउलोपेट्री ग्रीक। ग्रीक के इस शहर को पानी के अंदर अति प्राचीन पुरातात्विक साइट में शुमार किया जाता है। लगभग 1000 ईसा पूर्व यह शहर भूकंप के कारण पानी में समा गया था। इसके खंडरों को देखकर यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि यह मानव निर्मित है या भी नहीं। हालांकि इस शहर को सड़कों, वास्तुकला और कब्रों सहित पूरे योजनागत तरीके से बनाया गया है। तीसरा, पोर्ट रॉयल जमैका। जमैका का पोर्ट रॉयल शहर भले ही आज जलमग्न हो गया है, लेकिन कभी यह यूरोप के सबसे बड़े शहरों में शुमार होता था। यहाँ की शराब खूब लोकप्रिय हुआ करती थी, साथ ही यहाँ वेश्याएं लोगों का मनोरंजन करने के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। जून 1962 में यह शहर जलमग्न हो गया था, जिसमें लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई थी। चौथा, द्वारका शहर। भारत के गुजरात प्रांत में कैम्बे की खाड़ी में प्राचीन द्वारका शहर के अस्तित्व मिले हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान कृष्ण की प्राचीन नगरी द्वारका ही है। यह शहर भारत के अति प्राचीन शहरों में से एक है। गोमती नदी के किनारे स्थित यह शहर लोगों की मान्यताओं का केंद्र हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की मौत के बाद ही यह शहर समुद्र में जलमग्न हो गया था। पांचवा, द पिरामिड ऑफ युनागुनी जीमा, जापान। जापान के यूरक्यू आइलैंड के समीप द पिरामिड ऑफ युनागुनी जीमा का अस्तित्व मिला है। एक ही पत्थर से बने इस पिरामिड को लेकर जानकारों में मतभेद हैं। कोई इसे मानव निर्मित कहता है तो कोई इसे प्रकृति द्वारा निर्मित बताता है। यह करीब 10,000 ईसा पूर्व समुद्र में जलमग्न हो गया था। वर्तमान में यह करीब 250 फीट गहरे पानी में स्थित है। छठवा, लॉयन सिटी ऑफ क्यूआनडाओ लेक, चीन। पानी के अंदर बसे दुनिया के प्राचीन एवं शानदार शहरों में से एक चीन का लॉयन सिटी ऑफ क्यूआनडाओ लेक है। पूर्वी हान राजवंश के दौरान इस शहर को बनाया गया था, जिसका क्षेत्रफल 62 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। यह लगभग 85 से 131 फीट की गहराई में स्थित है।